लेकिन एक घाटा हो गया भाई। अब घाटा क्या हुआ है वो भी बताएंगे भाई। गाड़ी बड़ी प्यारी है, क्लेम लिए, लेकिन भाई उधर से खो गया था लफड़ा। अब आपको बता दें हुआ क्या था। क्या भाई झूठ बोल रहे यार। ये लीजिए देखिए आप, जनक है। सुबह की राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज तारीख हो गई 25 जुलाई सन 2024। भाई सुबह के बजने वाले हैं 12, दोपहर के बजने वाले हैं 12। घर से हम लेट निकले हैं क्योंकि कल रात में घर गए थे, बहुत ज़्यादा रात हो गया था। और उसके बाद फिर सुबह देर से सो के उठे, बुकिंग तो आ रही थी, सब फर्जी आ रही थी भाई। अब आपको डिस्प्ले वगैरह दिखा दें। ट्रिप के को हमने जीरो कर लिया था, अपने घर से 1.7 किलोमीटर चल चुके हैं। 11:57 टाइम दिखा रहा भाई। ईंधन अपनी गाड़ी में इतना है और अपने पास ओला की राइड आ चुकी है जो कि आउट स्टेशन की राइड है। लखनऊ में कुर्सी रोड इनको जाना है जो कि ये बुकिंग, ये पिकअप है भाई। ये नाम है ऋषभ वाजपेयी, इनसे बात हो चुकी है। पिकअप लोकेशन ये है कार स्कैन सेंटर, खलासी लाइन, स्वरूप नगर। कुल मिला के स्वरूप नगर से पिकअप है और ड्रॉप जहाँ पे वो भी भाई दिखा दें आपको। रुक गया भाई, ये है कुर्सी रोड, ठीक है। 106 किलोमीटर का 1658 रुपये दिखा रहा है डिस्प्ले पे, ये देखो भाई, ठीक है। तो इनसे बात हो चुकी है पिकअप का, तुरंत ही पिकअप का है, अर्जेंट पिकअप का। बोले तो कितना समय लगेगा, हमने कहा सर लगभग 20 मिनट लगेगा हमको आने में। बोले भैया अभी जो बुक की थी जिनसे पहले बात हुई वो भी बोल रहे थे आधा घंटा लगेगा। हमने कहा सर समय तो थोड़ा लगेगा ही, अब गाड़ी वाला झूठ बोलेगा नहीं, उसे तो काम करना ही है। तो अगर जो आधा घंटा समय लगेगा तो आधा घंटा ही लगेगा, उससे कम तो लगने का है नहीं। अगर 10 मिनट पहुंचने वाले होते हैं हम लोग को 10 मिनट बता देते हैं अगर पिकअप नज़दीक का होता है तो। अब आपको दिखा दें भाई, अभी भी हमारे इसमें 17 मिनट का पिकअप दिखा रहा है, ये देखो, क्योंकि 8 किलोमीटर की दूरी है भाई। गूगल मैप पर डाल लिया है जो कि 8 किलोमीटर दूर। और भाई अभी सुबह सुबह हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, मौसम एकदम बढ़िया था। अब तो खैर धूप निकल आई है, तो भाई घर में आलस सा आ रहा था तो मैं लेटा हुआ था, घर से निकला ही नहीं। और हमने कहा जब कोई राइड आएगी फिर घर से निकलेंगे। भाई राइड तो कई सारी आई लेकिन ये जेन्युइन बुकिंग आई, तो हमने कहा चलो अब निकला जाए, वो भी बात करके, बात करने के बाद ही मैं घर से निकला हूँ क्योंकि मौसम इतना बढ़िया था, वो इतने थके हुए थे, हमने कहा चलो रेस्ट ही कर लिया जाए भाई। तो चलते हैं भाई पिकअप करते हैं, पिकअप करने के बाद का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। जो भी हमारे भाई हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन वगैरह उन तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं पर कुछ देर के बाद, फटाफट कस्टमर के पास चलते हैं भाई, कस्टमर कर देगा बुकिंग कैंसिल क्योंकि उसको बहुत जल्दी। तो भैया आप पहुंच गए हम लखनऊ, लखनऊ के गोदम्बा थाना पे, कुर्सी रोड पे पड़ता है। और ये ज्ञान दूध की भाई फैक्ट्री है, यहीं पे है वो, देखो ये ज्ञान का ये भी खड़ा है, ज्ञान का सामने भी खड़ा है। और ये हमारे जस्ट पीछे रोड है जो कि लखनऊ से इधर कुर्सी रोड जो है गोदम्बा थाने लिए जाती है। हम लोग जो है हम आए थे भाई उसको क्या कहते हैं अपना ये रिंग रोड जिसको बोलते हैं किसान पथ। तो भाई गाड़ी तो बहुत चल गई, हमारे घर से 47 किलोमीटर चल चुकी है जबकि हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर पिकअप था, मतलब 137 किलोमीटर गाड़ी जो है इसमें राइड में चल गई है। तो जिनको लेके आए थे उनका जो फेयर बना था हम आपको दिखा दें, फेयर तो 2000 रुपये ऊपर बना था लेकिन जो हमें मिला है कंपनी ने जो हमें दिया है वो हम आपको दिखा दें, लेकिन एक घाटा हो गया भाई। अब घाटा क्या हुआ है वो भी बताएंगे। इनको हमने पिकअप किया था आर नगर से, स्वरूप नगर से, ठीक है। तो लोकेशन तो दिखा रहा है गंगा बिराज का, लेकिन हमने दिमाग लगाया, हमने कहा चलो यार इधर से होके चलते हैं, लोकल की बुकिंग आ रही है इसको पास कर लेते हैं। हमने कहा यार माल लोड होके चलेंगे, शुक्लागंज पुल से निकलेंगे तो क्या है कि उस पुल से निकलते गंगा पार करते तो 100 रुपये कंपनी ऐड करके देती है। हमने कहा चलो अच्छा है भाई इधर से ही निकल लेते हैं, लेकिन भाई 1772 रुपये कंपनी ने हमको दिए हैं, टोल का सिर्फ 95 रुपये दिया है, जो हमने दिमाग लगाया तो दिमाग फेल हो गया है, उसका पैसा कंपनी ने हमको नहीं दिया है। क्या है भाई बार बार लोकल की बुकिंग क्यों दे रहे हो, देना ही है तो आउट की दो भाई जिससे कुछ समझ में आए, ठीक है।
आपको दिखाते हैं भाई, ये वाली राइड थी। ये देखो भाई, सिर्फ 95 रुपये टोल के दिए हैं, ठीक है। गाड़ी 132 किलोमीटर चली थी, 2 घंटे 37 मिनट का समय लगा था, और अगर जो अंदर से आते भाई तो फिर समय हमारा बहुत लग जाता, कम से कम तीन साढ़े तीन घंटे लगता। तो अंदर से किसान पास से आए तो भाई 2 घंटे 37 मिनट, 2.5 घंटे लगभग लगे, 132 किलोमीटर 33 हो गया, 133 किलोमीटर का। तो कस्टमर को ला के यहाँ ड्रॉप कर दिए, 1737 रुपये कंपनी ने हमको दिए, टोल में 100 रुपये घाटा हो गया, सिर्फ 95 रुपये मिले हैं। चाहे तो कस्टमर केयर में बात करके थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम माथा पच्ची नहीं करेंगे, ठीक है। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, 1742 रुपये आने के मिले। अब इधर से जो कस्टमर आए थे उधर से हमारे साथ यहाँ पे जिनको ड्रॉप किया था, बोले तो भैया वापस भी जाना, हमने कितना समय लगेगा, तो बोले बस काम करना शायद 1 घंटे लगेंगे। हमने कहा ठीक है, रुके रहेंगे। तो भाई हम गए थे, बगल में सीएनजी पंप है, सीएनजी पर भराने गए थे, सीएनजी भरा के जैसे आके यहाँ खड़े हुए, जस्ट अभी फ़ोन आया कि भैया 15 मिनट में हम निकल रहे हैं, आप आ जाइए। हमने कहा बहुत अच्छा, लेकिन हाँ ये कंपनी के बंदे हैं तो इनको जो है ये राइड बुक करके ही चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, बुकिंग डाल दीजिएगा, हम ही चला चलेंगे। बोलना या तो फिर प्राइवेट ले चलना, तो जीएसटी वाला बिल देना। अब जीएसटी बिल भाई हमारे पास है नहीं, वैसे टेम्परेरी तो है हमारे पास लिखित में, लेकिन वो मान नहीं, इनकी कंपनी में नहीं है। तो आप बुकिंग डलवाएंगे, अगर बुकिंग आ जाएगी तो टू गुड, अगर बुकिंग नहीं आई तो भाई हो जाएगा घाटा। तो फिलहाल 15 मिनट बाद यहाँ से निकलने वाले हैं, देखते हैं बुकिंग हमारे में पड़ती है नहीं पड़ती है, और नहीं पड़ेगी तो फिर यहाँ से कैसे जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। लगभग 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारे घर से, और बिल 1800 रुपये, लगभग 1700-1800 रुपये बन चुका है। अब इधर देखते हैं कितना बनता है, जितना भी होगा सारी डिटेल बताएंगे इसी ब्लॉग में, तो बने रहिएगा भाइयों। तो भैया यहीं पे खड़े थे ज्ञान दूध डेयरी पे, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब आ चुके हैं, अक्षय भाई साहब है ना, फोन पे हमारी तुम्हारी बातचीत हो चुकी है, तो आपसे बातचीत वगैरह होती रहती है, फोन पे भाई की बातचीत हो चुकी है हमारी। इनकी देखो, इनकी गाड़ी ये वाली है ना, ये गाड़ी है तो भाई की, ये गाड़ी यार हेडलाइटें चेंज करा रखी है भाई ने, वो अभी एक्सीडेंट हो गया था भाई, गाड़ी बड़ी प्यारी है, क्लेम लिए थे अभी, हाँ, लेकिन अब साफ सुथरी दिख रही है जो है, साफ सुथरी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अभी चली भी नहीं ज्यादा। तो भाई से ढेर सारी करेंगे बातें, तो फिलहाल वीडियो को यही रोकेंगे और इनसे बातें करेंगे, कस्टमर भी हमारा आने वाला है, कस्टमर जब तक आए तब से इनसे बातें कर लेते हैं, और उसके बाद राइड इनकी भी खुला है, हमारी तो घर हम प्राइवेट ही जाएंगे, तो आते हैं कस्टमर उसके बाद बता। तो भैया वापस आ गए गंगा बैराज पे, देखो उसी कस्टमर को वापस लाए थे, आर नगर स्वरूप नगर छोड़ा है, लेकिन भाई उधर से हो गया था लफड़ा। अब आपको बता दें हुआ क्या था, कि इनका कॉरपोरेट अकाउंट था, कॉरपोरेट नहीं, अकाउंट तो नॉर्मल था, लेकिन इनको पे करती है कंपनी पैसा, तो बोल रहे थे या तो जीएसटी वाला बिल हमें दे दो, हमने वो तो हम प्रोवाइड भाई नहीं करा पाएंगे, बगैर जीएसटी वाला बोलो, हमारे पास रखा हुआ, मैं दिए देता हूँ बना के मैनुअली, तैयार नहीं हुए। फिर बोले भाई ओला में बुक करता हूँ, हमने कहा ठीक है, ओला उबर दोनों ऑप्शन है आपके पास, बस इतनी ही हमसे गलती हुई भाई कि हमने उबर का भी नाम ले लिया, बंदा होशियार था, ओला में रुपए दिखा रहा था 2200, ठीक है, उबर में दिखा रहा था 1700-1800 रुपये कुछ दिखा रहा था, नहीं 1600 कुछ रुपए, तो भाई कंपनी ने जो हमको दिए वो 1400 रुपए दिए हैं, आपको दिखा दें, ये देखो राइट है भाई 1411 रुपये 48 पैसे, इसमें टोल इंक्लूड नहीं है, टोल का पैसा अलग से है, इसकी डिटेल में जाके भाई आपको हम दिखाते हैं, क्या है ना गाड़ी भी चलती रहेगी, आपको हम सारा कुछ दिखा भी देंगे यार, है ना, तो टाइम से घर भी पहुँचना है। देखो समय भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ, 274 किलोमीटर गाड़ी चली, 8:15 बजे हैं, आपने ध्यान दिया होगा तो वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा कि भाई हम निकले ही 12 बजे थे और 8:15 बजे अपने क्षेत्र में आ गए हैं घर के पास में, भाई राइड आ रही है लेकिन कोई फायदा नहीं है, हमारे सिंहपुर की है भाई ये, अरे ले लेते हैं चलो, अबे यार चली गई भाई, एकदम घर के पास की बुकिंग थी लेकिन वो बुकिंग चली गई, चलो उसको छोड़ो, ये देख लो भाई 120 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है, 3 घंटे 32 मिनट का समय लगा है, 1565 रुपये टोटल बिल बना था, उसमें से कंपनी ने हमको दिए 1411 रुपये, और इस समय हम गंगा बैराज पे, ये देखो अपना स्टेशन का स्टैचू बना रखा है,
ये कुछ है और ये रहा कुछ भाई अपना हिसाब किताब। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट और चलते हैं भाई घर की तरफ, क्योंकि आज का टारगेट तो पूरा हो गया, कम समय में भाई अच्छा काम हो गया, कभी कभी ऐसा होता है। और कल भाई सारा दिन में भी यही काम हुआ था, कुल मिला के टारगेट हमारा पूरा हो गया है। ओला और उबर को दोनों को मिला दिया जाए तो बचत के हमारे अच्छे खासे जो है पैसे निकल आएंगे। कुल जो हमारा टारगेट है, टारगेट पूरा हो गया है। ये बात भाई, चलो ये तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। गाड़ी बुक कर रहे हैं गुलमोहर के लिए, आइए बैठिए। आपको कैसे पता? अरे हमारे पास राइड आई, जब तुम्हें एक्सेप्ट करता तब तक कैंसिल हो गई, चली गई हमारे पास से। नहीं, हम ढूंढ ही रहे अभी तो ये। अच्छा अच्छा, मैं यही कोने पे तो खड़ा था। हाँ, लेकिन वैसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। फेयर कितना दिखा रहा है? 90 रुपए। क्या भाई झूठ बोल रहे हो यार, ये लीजिए देखिए आप। जन्म कहाँ है? गुलमोहर ग्रीन सिंहपुर। आ जाओ आ जाओ, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। तो भाई कस्टमर वो मिल चुके हैं, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। तो भैया मजा आई आगे, बुकिंग तो छूट गई थी यार, लेकिन बुकिंग छूटने आगे वो लोग खड़े थे, हमने उनसे पूछा, बोले हाँ भैया हम ही लोग बुक कर रहे हैं, तो उनको ला के छोड़ दिए। हालांकि 90 रुपए दिख रहे थे कस्टमर के, जो बुकिंग वाला ऐप होता है, लेकिन हमारे एंगल से वो 120 रुपए दिख रहा था। हमने पूछा उनसे, बोला भी हो सकता कूपन वगैरह लगा हो या राइड पे छूट दे रहा हो, तो भाई 100 रुपए उन्होंने दिए 90 की जगह। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, अपने घर के पास भी आ गए और 100 रुपए भी भाई अर्निंग हो गई कुछ ज्यादा, मतलब एक तरीके पड़े पड़ाए मिल गए भाई। हमें तो आना ही था, बस ये हाईवे से उधर गांव की तरफ मुड़ जाते, अब क्या है कि सिंहपुर छोड़ने जाना पड़ा गुलमोहर, और उसके बाद अपना घर की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कभी कभी कम समय में ज्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है, और कभी कभी ज्यादा समय में भी अर्निंग नहीं हो पाती है, या होती है तो कम होती है। कल जितना हमने जो है मान के चलो 18 घंटे में काम किया था, आज उतना ही हमने 8 घंटे में काम कर दिया, 10 घंटे की सेविंग कर ली। 8 घंटे की अर्निंग समझ लो ये हमारी है, जो कि 1500 रुपये उबर में है और 1700 रुपये कुछ 1750 की ओला में है। तो टोटल ये जोड़ दिया जाए तो भाई होता है जाके लगभग जो है 3,32,500 रुपये होते हैं। 1200 खर्चे में निकाल लेंगे, 2000 बचत में डालेंगे, जो कि डेली का हमारा अर्निंग है, और हमारा अर्निंग इस समय डेली पूरा हो रहा है, जो हमारा टारगेट है डेली हम उसको चेस कर रहे हैं। कल भी किया था, परसों भी किया था, आज भी किया है। हाँ, बीच में एक दिन नहीं हो पाया था, जिस दिन हमने गाड़ी बुकिंग नहीं आई थी उस दिन गाड़ी हमने नहीं चलाई थी। तो ऐसा ही है कुछ, तो कभी कभी भाई टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ भाई समय भी पूरा दे रहे हैं। अब सोचा कि कल सुबह जल्दी निकलेंगे भाई, कल सुबह से जल्दी कोशिश करेंगे। हमारी आदत क्या है कि रात के 10-11 बजे तक घर जाते हैं, किसी न किसी कारण लेट हो जाते हैं, और सुबह लॉगिन होने का समय जो अपना वही 10-11 बजे लॉगिन हो पाते हैं भाई। तो कल से सोचा है कि यार सुबह 4 बजे लॉगिन हो जाएंगे और शाम को जल्दी घर जाया करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करके देखें समय में, तो उससे कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो अभी तो हम घर की तरफ फटाफट निकलते हैं भाई, बहुत खतरनाक रोड है भाई जहाँ से हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। देख सकते हो अभी लिंक रोड से हाईवे पे आए हैं, अब हाईवे मतलब 10-20 मीटर चलने के बाद फिर तुरंत अपने गांव का कट आ जाता है, ये वाला कट अब तो समझ में नहीं आता, अभी पूरी रोड बनाई नहीं है, बोर्ड वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है प्रॉपर, ये देखो। लेकिन क्या है ना कि अभी कुछ समझ में नहीं आता, मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है। अब आ गए भाई एकदम घर के पास, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा और उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक। मिलेंगे कल किसी नए वीडियो साथ में, तब तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।